हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके किस तरह से हम गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ज़्यादातर सभी का यही मानना होता है कि गार्डनिंग का शौक जो होता है एक बहुत ही महंगा शौक होता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। अगर हम अपने घर में पड़े वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें तो हम फ्री में गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टॉपिक पर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन आज की वीडियो में सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी कि गार्डनिंग की शुरुआत के लिए जब हम कोई पौधा लगाते हैं, यानी जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होता है पॉट। तो पॉट खरीदने जाएं हम तो उसके पीछे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम अपने ही घर के वेस्ट मटेरियल को यूज करके पॉट के हिसाब से अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास बहुत सारे प्लांटर ऐसे बन सकते हैं जो कि बगैर खर्च के हमारे पास होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है ढेर सारे कंटेनर जो कि मेरे यहाँ पे आप हैंग किए हुए देख रहे हैं। ये सारे ही कंटेनर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई प्रोडक्ट जो कि हम घर में मंगाते हैं, हम यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, उस तरह से ढेर सारे आ जाते हैं। और क्योंकि ये प्लास्टिक के होते हैं और प्लास्टिक क्योंकि सेहत के लिए हार्मफुल होता है, इसीलिए स्पेशली मैं खास तौर पे मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करती हूँ किचन में। इसीलिए मेरे किचन में ये जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं ये फिर यूज़ होने के बाद वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं फ्रेंड्स इस तरह के जो वेस्ट जार होते हैं प्लास्टिक के, उसे फेंकती नहीं हूँ और उसे यूज़ कर लेती हूँ एज ए प्लांटर, क्योंकि मैं एक गार्डनर हूँ और मुझे हमेशा ही पौधे लगाने के लिए हमेशा ही प्लांटर की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये इस तरह से मैं फ्री में प्लांटर बना सकती हूँ जो कि मेरे किचन में निकले हुए वेस्ट कंटेनर है। काफ़ी दिनों से मैं इसे अरेंज कर रही थी और एक साथ जब मेरे पास बहुत सारे जमा हो गए तो मैंने कुछ इस तरह से खूबसूरत सी क्रिएटिविटी के साथ ये वॉल को डेकोरेट किया है। और आप देख सकते हैं इस तरह से वेस्ट जार से ये मेरा वॉल कितना खूबसूरत दिखने लगा है। इसी तरह से फ्रेंड्स और भी काफी कुछ हमारे किचन से निकल आते हैं जिसे कि हम वेस्ट मटेरियल हिसाब से फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं, लेकिन वही सब सामान को हम यूज करके अपने गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं, फ्री में प्लांट लगाने के लिए प्लांटर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है एक कंटेनर, वेस्ट डिस्पोजेबल कंटेनर होता है जो कि हम अक्सर बाहर से जब खाना मंगाते हैं तो इसी तरह के कंटेनर में आता है। तो यूज होने के बाद ये कंटेनर बिल्कुल वेस्ट हो जाता है और हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह का जो ये कंटेनर है इसे हम छोटे पौधे लगाने के लिए, कटिंग ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं और मैं स्पेशली इसे कटिंग ग्रो करने के लिए ही यूज करती हूँ। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आइसक्रीम का डब्बा। हमारे घर में अक्सर ही इस तरह के डब्बे मिल ही जाते हैं जब हम आइसक्रीम खरीदने जाते हैं और उसके साथ इस तरह का कंटेनर आता है। तो यूज होने के बाद ये कंटेनर हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसे भी देख सकते हैं आप, इसे भी यूज कर लेती हूँ छोटे छोटे पौधे लगाने के लिए, सीड्स ग्रो करने के लिए, कटिंग ग्रो करने के लिए। अगर चाहें तो इसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा अगर हम इसे कलर कर ले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा खूबसूरत हो जाता है, उससे गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा एक चॉपर था जो कि खराब हो चुका है। खराब होने के बाद फ्रेंड्स इसे मैंने फेंका नहीं और इसमें थोड़ी सी मैंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, थोड़ा सा मैंने इसमें कलर किया और डिजाइन किया और ये मेरा खूबसूरत सा प्लांटर बनके तैयार हो गया। और इसमें देख सकते हैं मैंने कुलैंचू प्लांट को लगा रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ही मेरे फ्रेंड्स प्लास्टिक के कंटेनर है। मेरे पास काफी कमेंट इस चीज को लेके आए थे कि ये पॉट मैंने कहाँ से खरीदा, लेकिन फ्रेंड्स ये सारे मेरे पॉट खरीदे हुए नहीं हैं, ये सारे ही प्लास्टिक के कंटेनर है जिसे मैंने पेंट किया है और यहाँ पे एक खूबसूरती के साथ अरेंज करके लगा दिया है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से फ्रेंड्स प्लास्टिक के डब्बे जो कंटेनर जो होते हैं जिसके कभी ढक्कन टूट जाते हैं, कभी वो किसी कारण से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि हमारे यूज का नहीं होता है, तो हम उसे हम फेंक देते हैं और फेंकने की बजाय फ्रेंड्स उसे हम इस तरह से कलर करके खूबसूरती के साथ गार्डन में यूज कर सकते हैं। और ढेर सारे छोटे छोटे रूट वाले जो पौधे होते हैं जिनके रूट ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं या फिर सीजनेबल जो प्लांट होते हैं उन्हें हम इस तरह से लगा सकते हैं। हमें इन सब बातों में सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है जिससे कि यही वेस्ट मटेरियल हमारे गार्डन में यूज होने के बाद खूबसूरती बिखेरते हुए हमारे गार्डन की खूबसूरती को इन्हांस करे, ना कि खराब दिखे। यही थोड़ा सा कलर पेंट करके अगर हम इसे डिजाइन कर लेते हैं तो ये काफी खूबसूरत दिखने लगता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये स्टैंड फ्रेंड्स, ये है बिल्कुल वेस्ट मटेरियल को यूज करके मैंने बनाया है। ये
जो वाटर कंटेनर आता है, जो जार आते हैं 20 लीटर पानी के जो जार आते हैं, उसे ही मैंने कट किया है। और ऊपर का जो सारा हिस्सा है उसे मैंने इस तरह से एक पीवीसी पाइप की मदद से अरेंज करके प्लांटर स्टैंड बना लिया, जिसमें प्लांट लगा सकूं। तो इस तरह से मैं मुझे एक छोटे से एरिया में वेस्ट कंटेनर की मदद से 4 स्पेस मिल गए जिसमें मैं प्लांट लगा सकूं, और फ्री में मेरे पास प्लांटर भी तैयार हो गए। कलर करके इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं। कलर करने का सिर्फ पर्पस यही होता है कि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल, जिसको कलर करके मैंने पीवीसी पाइप के मदद से बड़े पॉट में लगा दिया, जिससे कि इसमें भी हम छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पर्सलेन लगा रखा है, वहाँ पे बॉलिवियन जीव लगा रखा है। तो इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर को यूज करके हम उसमें छोटे पौधे लगा सकते हैं जिसके रूट डीपली नहीं जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स छोटे छोटे जो पानी के बॉटल्स आते हैं, इस तरह से मैंने इसमें ये टोटल टैंगल हार्ट लगाया। और इसकी ग्रोथ देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटे बॉटल में हम प्लांट ग्रो करें और वो ग्रो नहीं होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्लांट इस तरह से वेस्ट मटेरियल में ग्रो हो जाता है, और उसके साथ हम अपने गार्डन की खूबसूरती को भी इन्हांस कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ढेर सारे छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर, वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके, छोटे छोटे डब्बे को यूज़ करके, उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ, जैसे यहाँ पर मैंने एक डोरी की मदद से डिज़ाइन दे लिया, इस तरह से क्रिएटिविटी के साथ मैं यहाँ पे ढेर सारे पौधे ऐसे लगा रखी हूँ, जो कि कटिंग के रूप में मुझे छोटी छोटी स्पेस चाहिए होती है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है पीवीसी पाइप, जिसे मैंने थोड़ा सा कलर किया और खूबसूरती के साथ यहाँ पे इसे यूज करके इसमें प्लांट लगा लिया। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारे घर में, हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे कि हम यूज करके उसमें ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं और गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपने गार्डन में ढेर सारे प्लांटर तैयार किए हैं, जिससे कि फ्री में ढेर सारे प्लांटर बन गए। और उससे ये फायदा हुआ कि चाहे जितने प्लांट लगाएं, प्लांटर का कोई इशू नहीं होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम चाहें तो अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी और घर में पड़े वेस्ट मटेरियल को यूज करके बहुत सारे प्लांटर तैयार कर सकते हैं और अपने प्लांट लगाने का शौक, अपने गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, इसी टॉपिक पे आगे भी मैं वीडियो शेयर करती रहूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड इसे लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।